हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वो कंपनी का नाम दिखा देता हूँ, ये है प्रेस्टीज एस्टेट। दोस्तों इसका जो अभी करेंट प्राइस चल रहा है 316 के आसपास चल रहा है, तो ये आने वाले दिनों में आपको और भी बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं खरीदा तो आप खरीद सकते हो। तो चलिए मैं आप इसके बारे में ए टू जेड फंडामेंटल में आपको बताऊँगा। तो ये देख लीजिए दोस्तों, प्रेस्टीज का लाइफ टाइम का पूरा स्टॉक का चार्ट है यहाँ पर, आप देख सकते हैं पूरा। ठीक है, ये जब स्टॉक जो लिस्टिंग हुआ था यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, बहुत पहले मतलब उसके बाद मैं आपको ऑल चार्ट दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ऑल चार्ट दिखाता हूँ, ये पहले 1 ईयर का है, ऑल चार्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। अभी ये देख लीजिए आप लोगों के सामने ऑल चार्ट आ चुका है। तो दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है, क्या है वो? ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये लेवल, ये कभी भी कोई भी सपोर्ट लेवल बनाता है तो उसको तोड़ के ऊपर जरूर जाता है। जो सबसे पहले यहाँ पर बनाया था 200 के आसपास, ठीक है, 200 को इसने तोड़ा तो ये कहाँ गया दोस्तों, ये 300 को टच किया। ठीक है, 300 को इसने तोड़ा तो यहाँ देख सकते हैं 350 के आसपास जो है ये टच करने वाला था, 360 के आसपास गया था, उसके बाद फिर ये नीचे आ रहा है। क्यों ये ऐसा क्यों होता है, ऊपर चला जाता है नीचे आ जाता है दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो कंपनी है वो रियल स्टेट में इंगेज है। ठीक है, तो ऐसे जगहों में एक बार डाउनफॉल आता है और कभी कभी मतलब कि अच्छा मूवमेंट भी आ जाता है, जिससे कंपनी में आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। अब इसका पीई रेशियो देख लेते हैं। ठीक है, जो पीई रेशियो है दोस्तों यहां देखिए 28.09 है। ठीक है, यहां पर देख सकते हो, बुक वैल्यू देख सकते हैं 113 है इसका, और वो भी डिविडेंड है दोस्तों। ये कंपनी जो है डिविडेंड रेगुलर पे करती है। अगर यहाँ देख सकते हैं वेबसाइट में, तो यहाँ पर आपको 100% बाय करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेबसाइट, ठीक है, यहाँ पर आपको 0% जो है आपको सेल करना है। तो ये कंपनी दोस्तों अब भी अगर मैं दिखाता हूँ तो ये देख लीजिए इसका जो नेट सेल्स देख लेते हैं। ठीक है ना, जब 2018 से 2019 तक है, ठीक है दोस्तों, जब 2018 था, ठीक है, 2018 में देखिए 700 के आसपास था, 760 था, उसके बाद से 5 आ गया, ठीक है, डिक्रीज़ हुआ। फिर देखिए 2019 में क्या हुआ दोस्तों, थोड़ा अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ, 5 to 8 हो गया। ठीक है, फिर 2019 में थोड़ा डाउनफॉल आया, फिर 2000 यहाँ पर देख सकते हैं सितंबर में थोड़ा और डाउनफॉल आया ज़्यादा से ज़्यादा। और अब जो इसका क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है दोस्तों, ये क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही स्ट्रांग जो है पेश करने वाला है। तो यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी दिखता है, तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। अगर स्टॉक को देख लेते हैं कि कितने बार ये डिविडेंड दिया है, तो डिविडेंड के मामले में कंपनी पीछे नहीं रहा। ठीक, डिविडेंड का देखिए दोस्तों, डिविडेंड ये जब भी इसको प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड जरूर पे करता है, हालांकि इसने बोनस नहीं है। और इसका जो शेयर होल्डर पैटर्न है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 70% जो है प्रमोटर्स के पास है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ए पास कितना है 25, लेकिन पब्लिक को कितने मिला है, पब्लिक को कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पर देख सकते हैं 0.71% मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो दोस्तों ये अभी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप बाय कर सकते हैं इस कंपनी को, प्रेस्टीज को, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये आने वाले दिनों में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, ज़्यादा दूर तक नहीं सोचना है, ये कंपनी हमें शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न देने वाली है। अभी जो इसका करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है 316, ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट मिल जाएगा लेके निकल जाना है, तो ये इन्वेस्टमेंट के बेसिस है। और ये इसका जो क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है, वो क्वार्टर रिजल्ट में बहुत अच्छा पेश करने वाला है दोस्तों। और हमारी गवर्नमेंट वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है ध्यान दे रही है, और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए गवर्नमेंट इंगेज है उसमें भी। तो उससे क्या होगा, इस कंपनी के भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा। और अभी देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा डाउनफॉल आया है, अगर यहाँ पर चार्ट में सही से देखिएगा तो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया है। ये देखिए, ये देखिए, एक मिनट में चार्ट को देखिए, मैं आपको 1 मंथ का चार्ट दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से डाउनफॉल दिख जाएगा, जिससे हाँ देख लीजिए ये डाउनफॉल देख सकते हैं, 360 को यहाँ टच किया था, 360 को टच किया था, ठीक है, देखिए 360 को टच किया था, लेकिन उसके बाद अब ये जो है नीचे आ रहा है, और यहाँ देख सकते हैं 300 के आसपास ये लेवल में आ रहा है। तो ये जो एक शॉर्ट रिकवरी यहाँ पर देखी जाएगी, जहाँ पर हम अच्छा खासा खरीदारी कर सकते हैं थोड़ा सा शॉर्ट मोमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रीज़ कीजिएगा, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।